सब्सक्राइब करें शर्मा सोफ चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने। हेलो गाइस, आज करता हूँ स्वागत आप सभी का नए फ्रेश वीडियो में। आज मैं लेकर बहुत सारे सर्वे न्यूज शर्मा सोफ सर्वे न्यूज की तरफ से। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो आज की पहली न्यूज आ रही है ओनर की तरफ से। ओनर प्ले जो आने वाला है 6.3 इंच के साथ, यह आएगा EMU ओनर का अपना खुद का UI के साथ। वो देखते हैं कैसा रहता है फ़ोन, मतलब क्या कमाल करता है ये। गेमिंग फ़ोन होगा स्पेशली, ये 4D गेम एक्सपीरियंस होगा इसमें। देखते कैसा रहता है फ़ोन, क्या रहेगी इसकी प्राइसिंग और क्या इंडिया में लॉन्च होगा या नहीं, मेरे को जरूर बताया कमेंट सेक्शन में। आपको कैसा लगा इसके बारे में सुन के। एक कोर गेमिंग फोन वो भी ओनर की तरफ से आने वाला है बहुत जल्द ही। तो अगली न्यूज़ आ रही है Mi A2 की तरफ से। Mi A2 का डिज़ाइन कुछ ऐसे कि लॉन्च हो चुका है, मतलब बस आपको थोड़ी देर ही वेट करना है, नोच मिल जाए। क्या आपको पसंद है नोच, मेरे को एक बार ज़रूर बताएं क्या आपको नोच पसंद है। और ये आएगा स्नैपड्रैगन के 660 प्रोसेसर के साथ, 6GB और 4GB दो वेरिएंट में आएगा ये, मतलब जो 6X का है। और OS होगा इसमें एंड्रॉयड ओरियो का, गूगल का अपना ही, मतलब कोई अपना OS नहीं होगा, एंड्रॉयड OS होगा। बाकी देखते हैं कैसा रहता है फ़ोन, 18:9 रेशो में आएगा या 19:9 रेशो में आता है, मतलब यही देखना रह गया नोच होता है या नहीं, मेरे को जरूर बताया कमेंट सेक्शन में। आपको कैसा लगा इसके बारे में सुन के। तो अगली न्यूज़ आ रही है गूगल एंड्रॉयड पी की तरफ से। जो गूगल एंड्रॉयड पी है उसका एक और अपडेट आ गया है। क्या आप सभी ने अपडेट किया है पिक्सल फ़ोन में, अभी आपको मिला होगा ये अपडेट, 300 MB का अपडेट है ये। आपने अगर अपडेट किया है तो मेरे को ज़रूर बताएं, मैं भी अपडेट करके आपको ज़रूर बताऊँगा क्या नए नए फंक्शन आए हैं इसमें और क्या अलग अलग हुआ है, मेरे को जरूर बताया कमेंट सेक्शन में। क्या आपने एंड्रॉयड पी यूज़ किया है या पिक्सल के फ़ोन में अभी तक डाला है, आपके पास अगर पिक्सल का फ़ोन है तो मेरे को जरूर बताया कमेंट सेक्शन में। तो अगली न्यूज़ आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग A*, जो कि आने वाला है बहुत जल्द ही, मतलब A9 का एक और नया वर्जन आने वाला है। क्या आप वेट कर रहे हैं इसका, मतलब अब सैमसंग 18:9 रेशो में अपने सेट निकाले जा रहा है, उसके मतलब वर्जन वही है, नाम वही, मगर न्यू टाइप के है, मतलब लगा लीजिए एक थोड़ी जनरेशन बढ़ा रहा है मगर नाम थोड़ा सा चेंज करा है। देखते कैसे रहते हैं ये जो नए नए फ़ोन निकाल रहा है। क्या आप वेट कर रहे हैं किसी ऐसे फ़ोन का सैमसंग के जो मिड रेंज में भी कमाल कर दे, मेरे को जरूर बताया कमेंट सेक्शन में। आपको कैसा लगा इसके बारे में सुन के। A9 जो कि आने वाला है बहुत जल्द ही, मतलब होगा तो UI इसमें वही AMOLED स्क्रीन होगी, Full HD+, और डुअल रियर कैमरा होगा इसका, मतलब थोड़ा बहुत दिखने में होगा अपना S9 Plus जैसा। वो बात करें स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर होगा, 4GB RAM, 64GB स्टोरेज होगी और एंड्रॉयड ओरियो बेस के साथ आएगा ये। बाकी देखते क्या रहता है क्या नहीं, मेरे को जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। आपको कैसा लगा इसके बारे में सुन के। क्या आप वेट कर रहे हैं सैमसंग के कोई ढंग के फ़ोन का मिड रेंज में, तो आप परचेज कर सके उसको। तो अगली न्यूज़ आ रही है फिर से सैमसंग की तरफ से। सैमसंग Note 9, हाँ जी Note 9, जो कि अगस्त या सितंबर में लॉन्च होगा, उसके कुछ रूमर्स बताए हैं कि वो आएगा 18:9 रेशियो में और आपको इन डिस्प्ले मिलेगा फिंगरप्रिंट सेंसर और Type-C USB पोर्ट, चलो वो तो बात है नहीं, और हेडफोन जैक भी है, चलो अच्छी बात है। और एस पेन होगा, मतलब नीचे ही सेम डिज़ाइन होगा, बस कह रहे थोड़ा बहुत स्लिम देंगे हम, वो स्क्रीन साइज थोड़ा बढ़ाए और बाकी देखते क्या रहता है, मेरे को जरूर बताए। क्या आप वेट कर रहे हैं ऐसे किसी फ़ोन का, मतलब सैमसंग के किसी फ़ोन का और Note 9 का, वो भी Note 8 अगर आपने परचेज किया तो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो मेरे को ज़रूर बताएं, अगर आप Note 9 का भी वेट कर रहे हैं तो भी मेरे को ज़रूर बताएं। तो आज की अगली न्यूज़ आ रही है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi Y1 के बाद अब आ गया है Y2, तो ये हो गया आज लॉन्च। 12 जून को लगी इसकी सेल, तो पहले कुछ प्राइसिंग था ये 9999, दूसरे की 12999। तो ये आया है 16 मेगापिक्सल की AI सेल्फी के साथ।
तो बाकी अगर हम बात करें तो MIUI 9.5 के साथ आएगा ये, वैसे 10 बता रहे थे अब 9.5 के साथ आ रहा है। और अगर बाकी हम बात करें और स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें मिलेगा आपको स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर, एंड्रॉयड ओरियो के साथ होगा और AI फेस अनलॉक भी होगा इसमें। 12 MP प्लस 5 MP का डुअल रियर कैमरा होगा और फ्रंट कैमरा बता दिया मैंने 16 MP का होगा। 18:9 रेशियो में आएगा, पीछे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलेगा। बाकी देखते हैं कैसा रहता है फोन, मेरे को बताया कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा इसके बारे में सुन के। तो आज के लिए इतने, अगले बार मिलेंगे अच्छी वीडियो और अच्छी न्यूज़ और अच्छी कुछ करेंगे बातचीत। तो चलता हुआ मैं, टाटा बाय बाय, ध्यान रखिए अपना और चैनल को सब्सक्राइब करा मत भूलिए। अगर कर रखा है तो लाइक करें इस वीडियो को, और अगर कुछ अच्छा लगे या कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें।